लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। प्रधानमंत्री कौशल विकास भत्ता के तहत महिलाओं को ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण के लिए आया पैसा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर बैंक खाते से निकाल लिया गया। इसके चलते 3 महीने का कोर्स करवाने के बहाने महिलाओं को मात्र 45 दिन में ही निपटा दिया गया। महिलाओं ने रोष प्रकट करते हुए प्रशिक्षण केंद्र पर ताला जड़ दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सर, ये कल जो बसंती बाग में एक ब्यूटी पार्लर के खिलाफ कंप्लेंट आई है कि उन्होंने उनका पैसा जो सरकार की तरफ से आया था वो निकाल लिया है और उनको नहीं दिया है, तो उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसी कंप्लेंट थाना में कल मिली थी, जिस बारे में छानबीन चल रही है और छानबीन में जो भी सत्य हुआ सामने आएगा और जिस तरह में भी छानबीन में पता लगा वैसी कार्रवाई अमल में ला जाएगी। जल्दी इन लड़कियों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी सभी और जिस अकाउंट में आएगी उसे भी चेक कर लिया जाएगा। इस बारे में बैंक अधिकारी से बात कर लिया, तो छानबीन चल रही है, आइंदा जो भी हो बता दें। चांदा थाना क्षेत्र के शाहपुर जंगल के पास बीती देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश मुलायम यादव को उसके साथ ही 5,000 रुपए के इनामी बदमाश बादल शुक्ला के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ जनपद के दियावा उमरा थाना आसपुर देवसरा इलाके का मूल निवासी 50,000 इनामी बदमाश मुलायम यादव पिछले 4 महीनों से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर जनपद में लूट, हत्या, रंगदारी और डकैती के कुल 22 मामले दर्ज हैं। आज थाना क्षेत्र चांदा की टीम ने यशो थानाध्यक्ष, यशो कादीपुर और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम के एक संयुक्त अभियान में 2 बदमाशों की घेराबंदी की गई। दोनों बदमाश लाल और काली पल्सर पर सवार थे। इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया और अब पुलिस टीम से घिरता हुआ देख के ये दोनों बदमाश अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के जंगल की तरफ भागे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के पुलिस टीम पर फायर कर रहे थे, तो पुलिस टीम ने घेराबंदी करके इनको पकड़ने की कोशिश किया और जब वे पुलिस टीम पर फायर कर रहे थे दोनों बदमाश, पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायर किया। दो बदमाश गिरफ्तार किए गए और दोनों बदमाशों के पैर में चोट लगी है। क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ, क्या है कौन? हाँ, जब इन बदमाशों के इलाज के लिए CHA कादीपुर ले जाया गया तो वहाँ इनकी पहचान शातिर बदमाश मुलायम यादव, जिसपे 50,000 रुपये के नाम घोषित है, और दूसरे की पहचान बादल शुक्ला के रूप में हुई है, जिसपे जनपद स्तर से 5,000 रुपये के नाम घोषित है। बिहार के कटिहार के सेमापुर बाजार में देर रात गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। होटल में रखे सिलेंडर में अचानक से देर रात आग लग गई, जिससे सिलेंडर फट गया। इस दौरान आग की चपेट में 4 सिलेंडर और आ गए, जिससे आसपास के लगभग दर्जनों दुकानों में या घरों में आग की लपटें फैल गई और सभी दुकानें खाक में तब्दील हो गई। घंटों बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। दुकानों में लगी आग से लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रेलवे लाइन के पास वहाँ पर आग लगी सिलेंडर फटने से, सिलेंडर की दुकान में आग लगी और 3-4 सिलेंडर फटा। आग तो बहुत भयावह स्थिति था, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी प्रयास, अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बारे में हम आकलन कर रहे हैं, लेकिन लाखों की क्षति हुई है।
यूपी में चिकनगुनिया और डेंगू का कहर जारी है। यूपी में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी भी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। सरकार स्वास्थ्य विभाग पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सब कुछ ताक पर रख देते हैं। वहीं हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की असलियत देखी गई तो स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार नजर आ रहा है। जैसे कि बीमारियां चल रही हैं, चिकनगुनिया है और डेंगू है, इधर के स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो कैसी है, लेकिन यहाँ के हालात अगर देखी जाए तो यहाँ गंदगी है नज़दीकी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें थोड़ा सा ये है कि अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो सभी जो थे संविदा स्टाफ वो हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी व्यवस्था हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, थोड़ी सी गंदगी है, वो अब हड़ताल उनकी समाप्त हो चुकी है, वो इसको जो है तुरंत सफाई जो डॉक्टर्स हैं लेडीज डॉक्टर मिल रही हैं, पेशेंट परेशान हैं, घंटों से बैठे नहीं, हो सकता है वो, अगर ऐसा है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, ये आप संज्ञान में ला रहे हैं, अगर ऐसा है तो लेडी डॉक्टर से बात की जाएगी कि रोगियों को परेशान ना किया जाए। संभल जिले में चल रहे गणेश मेले में धार्मिक आस्था के नाम पर हो रहा है बार बालाओं का अश्लील नाच। मेला गणेश चौथ में संस्कृति के नाम पर परोसा जा रहा है बार बालाओं का डांस। गणेश मेले के नाम पर उड़ाई जा रही कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी बार बालाओं के नाच का लुत्फ उठाया। वहीं संभल जिले के पुलिस अधिकारियों को बार बालाओं के नाच की खबर तक नहीं है। हाँ सर, चंदौसी गणेश मेले में जैसा बाय डांसरों के डांस करने का मामला है, सर क्या है पूरा मामला? संभल के चंदौसी में गणेश मेला चल रहा है जो 3 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक चलेगा। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भी कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। इस संबंध में व्यापक पुलिस प्रबंध भी किया जाता है। याद हुआ है कि कल उनके द्वारा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में बार बालाओं का डांस कराया गया, इस तरह की सूचना मिली है। इस संबंध में मेरा प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में आयोजकगणों का स्पष्टीकरण उनसे प्राप्त करें, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि इस ऐसे धार्मिक आयोजन में बार बालाओं का डांस कैसे करा दिया गया और नोटिस का उससे जवाब प्राप्त किया जाएगा। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी नगर में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड पट्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकवादी हमले के मारे गए शहीदों को नगर भर में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर में कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च का समापन कर पट्टी नगर के चमन चौक पर 2 मिनट का मौन भी रखा। आपका नाम? सुरेश शुक्ला। आप किस पद में हैं? विश्व हिंदू परिषद प्रखंड पट्टी जनपद प्रतापगढ़। आप एक कैंडल निकाल के क्या जानना चाहते हैं? हम एक कैंडल निकाल करके भारत को और वीर शहीदों को जो हमारे यहाँ शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको हम अपनी नमन श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब भारत की जनता जाग चुकी है, हम अगर मौका मिल जाएगा तो तुम्हारी ईंट उठा करके अपने घर लाके कर देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद, बजरंग दल जिंदाबाद। रामपुर में आज एक और नाबालिग लड़की को हवस के दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। 15 साल की नाबालिग लड़की को उसके गांव के ही 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद मासूम की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। जनपद रामपुर थाना स्वार में पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी का कहना है कि उसकी नाबालिग पुत्री दुकान पर
खाना देने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसी के गांव के थाना टांडा क्षेत्र का गांव है सोनकपुर, उसका नासिर पुत्र खलील, इसने उस लड़की को रोक लिया और उसके साथ शादीपुर के जंगल में जाकर ज़बरदस्ती बलात्कार किया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है और अभियुक्त अभी फरार है, पुलिस टीम से पकड़ने के लिए लगी है। तो दो लोगों ने किया रेप उसके पिता के ना? नहीं, रेप का मुकदमा जो है वो एक व्यक्ति के खिलाफ लिखवाया गया है, नासिर पुत्र खली। गिरफ्तारी की कितनी उम्र है लड़की? लड़की की उम्र करीब 15 वर्ष। गिरफ्तारी के प्रयास है, पुलिस टीम लगी हुई है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ सैफाबाद स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से रुपए निकाल कर जा रहे टाइनी बैंक संचालक को तमंचे के बल पर बदमाशों ने लूट लिया और डरा धमका कर उससे 89,000 रुपए लूट कर सुल्तानपुर की ओर भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए हाथ पैर मारती रही, लेकिन पुलिस के हाथ नाकामयाबी ही लगी। आपका क्या नाम है? राम बहादुर निषाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हड़िया सरबता और थाना चादा सुल्तान। कल जो वारदात हुआ वो कैसे हुआ? कल हम 12:30 बजे सैफाबाद बैंक से 89,000 रुपए निकाल कर आ रहे थे। रास्ते में दो बदमाश हमारे दाहिनी साइड से आकर और हमारी गाड़ी को रुकवा लिए। बोलते हैं और रुकवाने के बाद जो है तमंचे से हमारे सर पर मारे। तब तक मैं कुछ समझ पाता, तब तक गाड़ी से गिर गया और उन्होंने हमारे हेलमेट पर बार बार पंच करते रहे। उसके बाद हमारी डिग्गी से दूसरा व्यक्ति जो है वो एक मुक्का मार कर जो है डिग्गी से मतलब लॉक खोल दिया, तोड़कर उसने पैसा हमारी बैग से निकाल लिया, भरा पैसा बैग से। तो आप थाने में इन्फॉर्म किए थे? हाँ, थाने में तुरंत गए जो है पुलिस चौकी इंचार्ज के पास तुरंत जाकर सूचना दिए। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060001260 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।